नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइन के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको 10 काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आए हैं। रेडमी नोट 10 के दोस्तों नए ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों नार्सो 20 के बारे में मालूम चला है और भी दोस्तों बहुत सारे स्मार्टफोन्स के बारे में मालूम चला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आओ यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आज सुबह OnePlus 8T के ऊपर एक वीडियो बनाया हूं, जहां पर दोस्तों मैंने सारे स्पेक्स बताए हैं, इसके जितने भी ऑफिशियल स्पेक्स है सब बता चुका हूं, प्राइसिंग क्या हो सकती है, कब लॉन्च होगा, सब डिटेल बताया हूं। ऊपर आई बटन पे दे रहा हूं, जाके क्लिक करके देखो और आई बटन के सारे वीडियोज को चेकआउट कर लो, बहुत अच्छा वीडियो बनाता हूं, आपको पसंद जरूर आएगा। तो यार अगर बात कर ले पहले टेक न्यूज के बारे में, पहला टेक न्यूज आ रहा है OnePlus Clover की तरफ से। तो दोस्तों OnePlus Clover दोस्तों Geekbench पे पकड़ा गया है, इसकी स्पेक्स बाहर आ चुके हैं, इसकी प्राइसिंग बाहर आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, 6.5 inches का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो 14,700 रुपए इसकी प्राइसिंग होगी, अभी तक तो यही मालूम चला है। और मॉडल नंबर की बात करें तो B2012 इसका मॉडल नंबर है। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है स्नैपड्रैगन के 460 SoC के साथ आएगा, यानी कि काफी दोस्तों एंट्री लेवल वाला आपको स्पेक्स थमा देंगे। लेकिन दोस्तों 14,700 रुपए में आपको दोस्तों यहां पर और अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे, Realme 7 जाके ले सकते हैं। तो देखो यार OnePlus अगर 10 से 18,000 की रेंज में ब्रांड वैल्यू लेके घुसेगा, यानी कि इस रेंज में जहां पर Redmi और Realme आपस में लड़ते हैं यहां पर मोबाइल्स को लेके स्मार्टफोन्स को लेके, तो दोस्तों यहां पर OnePlus सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ब्रांड वैल्यू इस रेंज में नहीं चलता। यहां पर खास के जो कस्टमर्स कंज्यूमर्स होते हैं वो यहां पर खोजते हैं कि ब्रांड वैल्यू नहीं, हमको कौन सबसे अच्छा स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों के पैसे के हिसाब से, यानी कि वैल्यू फॉर मनी कौन दोस्तों स्मार्टफोन है। अभी दोस्तों यहां पर अगर OnePlus अगर यहां पर ब्रांड वैल्यू लेके जाएगा और एकदम बेकार स्पेक्स दे देगा, 460 SoC दे देगा और एकदम मारेगा एकदम 15-16,000 रुपए, तो कोई नहीं लेगा, सब दोस्तों यहाँ पर Realme 7 ले लेंगे, Redmi Note 10 अभी आने वाला, सब उस सबको लेंगे जाएंगे, OnePlus को कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर ब्रांड वैल्यू काम नहीं आता, यहाँ पर जो अच्छे स्पेक्स देता है वही दोस्तों यहाँ पर सक्सेस होता है, ये जो दोस्तों 10 से 18,000 रुपए का रेंज है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, कि आप ब्रांड वैल्यू के चक्कर में पड़ेंगे कि आपको जो अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है उसके चक्कर में पड़ेंगे। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy S20 Fan Edition की तरफ से। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल स्पेक्स बाहर आ चुके हैं, ऑफिशियल रेंडर्स भी आ चुके हैं और कब लॉन्च होगा ये भी मालूम चल गया है। तो दोस्तों सब बाहर आ चुका है, बस प्राइसिंग मालूम चल जाए तो मजा आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपको 6.5 inches का फुल HD प्लस वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन होगा, स्नैपड्रैगन का 865 वाला SoC ग्लोबली जाएगा, इंडिया में Exynos 990 के साथ आएगा, जो दोस्तों बिल्कुल बेकार बात है यार। अगर Exynos 990 के साथ आ गया तो बहुत दुख होगा, लेकिन क्या करें सच्चाई है ये। 12+12+8 megapixel का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों आपको 32 megapixel का सेल्फी मिलेगा, 4500 mAh की बैटरी होगी, 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, IP68 के साथ आएगा और अक्टूबर में दोस्तों लॉन्च होगा ये, अक्टूबर के मंथ में दोस्तों ये लॉन्च हो जाएगा। अब अक्टूबर के कौन से डेट में लॉन्च होगा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मालूम है, अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होगा। अगर कुछ भी दोस्तों लॉन्च डेट से रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं आपको अगले टेक्निक में बता दूंगा, और प्राइसिंग से रिलेटेड भी दोस्तों अपडेट आया तो अगले टेक्निक में बता दूंगा मैं। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो कैमन 16 सीरीज की तरफ से। तो दोस्तों मैंने बहुत टेक्निक्स पहले बताया था कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, तो फाइनली आज ये लॉन्च हो चुका है केनिया में। स्पेक्स इसके काफी इंटरेस्टिंग है और प्राइसिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। 6.9 inches का फुल HD प्लस वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, हीलियो G90T के साथ आता है, 64+8+2+2 megapixel का क्वाड कैमरा सेटअप है, 48+8 megapixel का डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, जो पंच होल है डुअल जो पंच होल डिस्प्ले काफी छोटा है, जैसे आपको ओप्पो F17 प्रो में देखने को मिलता है, 4500 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, यानी कि 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी यहाँ दोस्तों टेक्नो दे रहा है। और यहाँ पर दोस्तों 19,258 रुपए इसकी प्राइसिंग है, केनिया का दोस्तों जो प्राइस करेंसी है उसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ मैं। तो यार 19,000 रुपए के हिसाब से देखे तो यहाँ पर बहुत ओवर प्राइस लगता है, यहाँ पर स्पेक्स 19,000 रुपए के हिसाब से तो दोस्तों बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया में 19,000 रुपए का लॉन्च होगा तो डेफिनेटली ये नहीं चलेगा, तब Realme 7 Pro, Poco X3 और Redmi Note 10 भी आने वाला है, ये सब जाके स्मार्टफोन परचेस करने लगेंगे, कोई दोस्तों यहाँ परचेस नहीं करेगा इसको। अगर ये 13 से 14,000 में लॉन्च होगा इंडिया में तो दोस्तों ठीक रहेगा, अगर इंडिया लॉन्च डेट से रिलेटेड कुछ अपडेट आते हैं तो मैं दोस्तों आपको अगले टेक न्यूज़ में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, आप दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स के टेक न्यूज़ में देखे होंगे कि वो बता रहे हैं कि एक स्मार्टफोन है जिसका दोस्तों कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, जहां पर दोस्तों आप रहते हैं उस हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो स्मार्टफोन है वो वीवो
का स्मार्टफोन है और वीवो का भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें दोस्तों ये वाला जो टेक्नोलॉजी है इंप्लीमेंट करेगा वो। अभी दोस्तों इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि दोस्तों ये कौन सा स्मार्टफोन है, बस इतना मालूम है कि यहाँ पर दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, इसको भी छुपा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों टेस्टिंग चालू थी और दोस्तों टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है। अगर कुछ भी दोस्तों और इन्फॉर्मेशन आता तो दोस्तों मैं आपको अगले टेक न्यूज में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों IFA 2020 की तरफ से। तो दोस्तों IFA 2020 में रियलमी दोस्तों बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को दोस्तों अनाउंस कर चुका है और दोस्तों वो जल्द से जल्द उसको लॉन्च करेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों यहाँ पर रियलमी स्मार्ट टीवी 55 इंच का दोस्तों सबसे पहले अनाउंस किया, फिर रियलमी बड्स एयर प्रो है, ये दोस्तों एक नया बड्स एयर सीरीज रहेगा, और रियलमी बड्स वायरलेस पी, ये भी दोस्तों एक नया प्रोडक्ट है, और दोस्तों रियलमी नार्जो 20 के बारे में भी टीज किया है कि वो भी दोस्तों जल्द से जल्द लॉन्च होगा, मे बी दोस्तों ये अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो जाए, वहां पर दोस्तों यही बातचीत चल रही थी। रियलमी वॉच एस प्रो, अभी तक दोस्तों इतने प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम चला है। यहाँ पर दोस्तों मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग रियलमी का नार्जो 20 सीरीज लग रहा है जो अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो सकता है, अक्टूबर के एंडिंग तक। कुछ और अगर दोस्तों अपडेट्स आते हैं तो दोस्तों मैं आपको अगले टेक न्यूज़ में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। अगला अपडेट आ रहा पोको के तरफ से और दोस्तों पोको सबके दोस्तों जो गेस कर रहे थे ना कि दोस्तों ये पोको M2 किसका रीब्रांड होगा, पोको M2 दोस्तों अब रेडमी 9 प्राइम का रीब्रांड होगा और ये दोस्तों रेडमी 9 प्राइम का 6GB रैम वाला वेरियंट लेके आएंगे और कुछ नहीं है इसमें। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर्स भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं रेडमी 9 प्राइम का दोस्तों ये रीब्रांड है और 6GB रैम वाला वेरियंट इसका उठा के ले आएंगे। मैं सोचा था यार कि यहाँ पर कोई नया स्मार्टफोन होगा लेकिन ये भी दोस्तों रीब्रांड है और दोस्तों ये 8 तारीख को लॉन्च हो रहा है। तो यार बहुत ही यार मेरे को अजीब लग रहा है, अगर इसकी प्राइसिंग दोस्तों 11,000 हो गई तो दोस्तों सब रेडमी 9 प्राइम को जाके ले लेंगे, अगर 9,000 हो गई तो दोस्तों वहां पर रियलमी C15 और C12 का पत्ता साफ हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या प्राइसिंग है, लेकिन प्राइसिंग काफी इन लोग इंटरेस्टिंग रखने वाले हैं, मजा बहुत आएगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 10 की तरफ से। तो दोस्तों Redmi Note 10 का दोस्तों ऑफिशियल क्लियर रेंडर आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही रेंडर है जो दोस्तों लाइव इमेजेस लीक हुए थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, LCD स्क्रीन रहेगा, पंच होल डिस्प्ले है और जो बेसल्स है वो भी काफी कम है और चिन भी दोस्तों काफी ठीक ठाक है, यानी कि कम दिख रहा है, देखने में स्मार्टफोन बहुत अच्छा लग रहा है। और 48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो यार इसमें दोस्तों आपको डायमेंसिटी 800U वाला दोस्तों आपको SoC देखने को मिलेगा और दोस्तों ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है। देखने से स्मार्टफोन दोस्तों काफी खास नहीं लग रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिल रहा है और दोस्तों उसके स्पेक्स भी दोस्तों अभी कुछ मालूम नहीं चले, अब बस इतना ही मालूम है कि यहाँ पर डायमेंसिटी 800U वाला शायद SoC देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर कोई अभी मालूम नहीं चला। कुछ और अगर कुछ मालूम चलेंगे यानी कि स्पेक्स रेंडर्स या कुछ और आते हैं तो मैं आपको अगले टेक न्यूज़ में बताता रहूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज आ रहा पोको X3 NFC की तरफ से। तो दोस्तों इसके भी क्लियर रेंडर्स आ चुके हैं, देखने में स्मार्टफोन बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ दोस्तों हम लोगों को मालूम चल गया, बस प्राइसिंग भी दोस्तों पता चल जाए और दोस्तों यहाँ पर लॉन्च डेट बहुत ही करीब आ चुका है। प्राइसिंग भी वैसे मैं बता चुका हूँ, कल के टेक न्यूज में जाके देखे नहीं तो जाके देख लेना, ये दोस्तों 4000 कंट्री की प्राइस है। अगर फिर भी नहीं जानते हो तो 17,000 से 20,000 के रेंज में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा और दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा दोस्तों यहाँ पर मेजर अपडेट्स नहीं किए गए हैं, ये पोको X2 के दोस्तों काफी सिमिलर है। कुछ और अगर अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको अगले टेक न्यूज में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो की तरफ से। तो दोस्तों ओप्पो का एक स्मार्टफोन है टेना सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, ओप्पो PECM10 और ओप्पो PECT10, यही इसका नाम हो सकता है, अभी कुछ क्लियरली मालूम नहीं चला है। देखने में स्मार्टफोन ओप्पो F17 प्रो की तरह लगता है और थोड़ा सा डिजाइन रियलमी 7 सीरीज की तरह लगता है, कलर दोस्तों काफी अटपटा सा है। कुछ और अगर स्पेक्स मालूम चलते हैं और कौन सा स्मार्टफोन है इसका नेम या फिर कुछ और मालूम चलता है तो मैं आपको अगले टेक न्यूज में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है 4G की तरफ से। तो दोस्तों आजकल आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे 4G के ऊपर की 4G एक नया गेम आने वाला है जिसको दोस्तों अक्षय कुमार दोस्तों पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको पुराने इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, मैं नया बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो 4G गेम है ये दोस्तों आपको अक्टूबर के मिड तक लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा और ये स्टेबल वर्जन होगा, ठीक है। लॉन्च डेट अभी मालूम नहीं चला, लॉन्च मंथ मालूम चल गया है और यहाँ पर जो दोस्तों पहला लेवल होगा वो दोस्तों गलवान वैली में बेस्ड होगा, यानी कि गलवान वैली की कहानी पे बेस्ड होगा। आप नहीं जानते गलवान वैली में क्या हुआ था, ये दोस्तों हिमालय में काफी ऊंचा जगह है और वहां पर दोस्तों हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनका मुठभेड़ दोस्तों चाइनीज ट्रूपर्स के साथ हो गया था एंड हमारे जो जवान है 20 जवान वहां पर शहीद हो गए थे। तो दोस्तों काफी वो जो खबर थी ये जुलाई की मंथ की दोस्तों ये घटना थी और दोस्तों उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था और जब भी यार कोई हम लोगों का इंडियन सोल्जर शहीद होता तो बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है हम लोगों को और दोस्तों यहाँ पर बहुत चिढ़ भी लगता है कि यार लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो
देश के लाल होते हैं वहां जाके यहाँ पर शहीद होते हैं यार इन लोगों के चक्कर में। तो यार इसीलिए ये जो कहानी होगी, ये दोस्तों जो पहला मैप है, एक तरह से मैप आप कह सकते हैं, तो दोस्तों ये कहानी पे बेस होगा। तो दोस्तों बहुत ही औसम चीजें आने वाली है फौजी से, और दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे मैप्स भी आएंगे जो हम लोगों के इंडियन सोल्जर के साथ रियल घटनाएं हुई है उनके ऊपर बेस्ड होगा ये गेम। और दोस्तों ये बैटल रॉयल मोड भी लेके आएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मालूम चल रहे हैं इसकी बातें। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट दोस्तों ये जो बोनस अपडेट चल रहा है, ठीक है, ये जो दो अपडेट्स दिया मैं ये बोनस अपडेट्स हैं। और दोस्तों जो बोनस अपडेट, अगला बोनस अपडेट की बात कर ले तो आईफोन 12 प्रो जो होगा उसमें दोस्तों सोनी का लाइडर सेंसर यूज होगा, ठीक है, सोनी का लाइडर डेप्थ सेंसर होगा। और दोस्तों आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं लाइडर सेंसर क्या करते हैं, ये ऑर्गुमेंटेड रियलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर फाइनल अपडेट के बारे में बात कर ले तो एलजी विंग, ये दोस्तों उसका ऑफिशियल नेम है, कंफर्म कर दिया एलजी विंग होगा। और इसकी प्राइसिंग बार आ चुकी है 92,128 रुपए इसकी प्राइसिंग होगी। और अगर दोस्तों स्पेक्स के बारे में कुछ मालूम चलेगा तो मैं आपको अगले टेक न्यूज़ में बता दूंगा। तो यार बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज अच्छा लगे तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं। तो मैं मिलता हूं सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चलिए बाय। Starting over. Stop giving up.